ऑफ दीज वर्ड्स डू मे रिफर टू माई चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ऑफकोर्स क्लिक बेल आइकन सो दैट यू मे रिसीव द नोटिफिकेशन वेरी सून। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले ये टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले ये बताती हूँ कि ये होता क्या है। इनहेरिटेंस मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास ऑन होती हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रेट्स जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास ऑन होते हैं वो कहलाते हैं इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होता है? जब कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होती है वो किसके थ्रू होती है? डीएनए या आरएनए के थ्रू। तो वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, तो वो ये बना देते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी, यानी कि क्लास 11 में थोड़े से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पर रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड डीएनए और आरएनए की तरह जो कि बना होता है न्यूक्लियोटाइड से वो कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीएनए और आरएनए होते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो न्यूक्लिक एसिड से पता चला कि दो तरह के होते हैं, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। अब डीएनए किस चीज़ से बना होता है? डीएनए तीन चीज़ से बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, N2 बेस लिख रही हूँ मैं, होता नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। बेसिकली स्टूडेंट्स को इस पूरे चार्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, 11th में भी एंड 12th में भी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसे देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप ये लोग ये चीज़ें कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है दो तरह के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, अब ये जो प्यूरीन होता है और ये जो पायरिमिडीन होता है ये भी आगे डिवाइडेड होता है, प्यूरीन एडेनाइन एंड गुआनाइन। पायरिमिडीन होता है डिवाइडेड साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल और थायमिन जो होता है इनका होता है स्पेसिफिक फंक्शन। जब हम लोग बात करते हैं आरएनए की तब थायमिन को रिप्लेस करता है यूरेसिल, यानी कि थायमिन नहीं होता वहाँ पे, यूरेसिल होता है। जब बात करते हैं हम लोग डीएनए की तब वहाँ पे थायमिन यूज करते हैं, वहाँ पे यूरेसिल नहीं लिखते हम लोग, ठीक। अब ये जो हो गए, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यानी कि ये डीएनए मैंने बताया था ना, न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ डीएनए जो होती है वो काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स, जितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं वो मिलाते हैं, मिल करके बनाते हैं डीएनए। यानी कि लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट, ठीक। तो ये न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ जल्दी से कैसा होता है। जैसे ये पेंटोज शुगर हो गई, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया ये, और यहाँ पे लग गया आपका नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस। एडेनिन लग जाए है, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, जिसकी बात करी जो भी लग जाए, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर मिलके बना देगा आपका न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो जाते हैं, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक चेन बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो वो चेन कहलाती है डीएनए या आरएनए। अगर वो डबल स्ट्रैंडेड होगी यानी कि इसका स्ट्रक्चर अगर ऐसा ट्रिपल स्ट्रक्चर होगा तब वो कहलाएगा डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड तो आरएनए। सो अब बात करते हैं प्यूरीन एंड पायरिमिडीन जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो आपस में कंबाइन कैसे होते हैं। तो जैसे बात करते हैं एडेनिन एंड थायमिन, ये आपस में कंबाइन होते हैं डबल बॉन्ड से। साइटोसिन एंड गुआनिन कंबाइन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। और ये जो बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच में कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बस इतना सा ही पार्ट था जो मुझे 11th का रिवाइज कराना ज़रूरी सर लग रहा था।
अगर आपको चैनल में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो एंड हेल्पफुल रही हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉलो माई चैनल एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ का। ऑलराइट, एंड मैक्सिमम लोगों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें।